राधे राधे मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लाया हूँ कि कैसे श्री भाग्य बिहारी जी ने एक कुबड़ी की कुबड़ ठीक कर दी। वृंदावन में एक बिहारी जी का परम भक्त था। पैसे से वह एक दुकानदार था। वह रोज प्रातः बिहारी जी के मंदिर जाता था और फिर गौ सेवा में समय देता और गरीब बीमार असहाय लोगों के उपचार और भोजन और दवा का प्रबंध करता था। वह बिहारी जी के मंदिर जाता, न तो कोई दीपक जलाता, न कोई माला, न फूल, न कोई प्रसाद। उसे अपने पिता की कही एक बात, जो उसे बचपन से अपने पिता से ग्रहण करी थी और जीवन मंत्र बना ली। उसके पिता ने कहा था, बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है। बिहारी तो उसकी सेवा स्वीकार करते हैं जो उनकी हर संतान की, जो किसी न किसी कारण दुखी है उनकी सेवा करता है, जो पशु पक्षियों के लिए सेवा करता है। देखो, भगवान ने स्वयं गौ सेवा की थी। लेकिन एक बात थी, मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। क्योंकि मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी, तो वह भक्त सोचता बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता था। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते? कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोड़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोट ठीक करना है। वह कोड़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे। कोड़ी बोला, पर प्रभु वहां तो रोज बहुत से भक्त आते हैं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? भगवान ने कहा, जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता दिखाई दे वही मेरा भक्त है। अगले दिन वह कोड़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोट ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोड़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कोड़ी पीछे पड़ गया, तो झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजर मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उस कोड़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। प्यारे भक्तों, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। और ये कथा जो कहना चाहती है, सबसे बड़ी परमात्मा सेवा उनकी है जो वास्तव में बेबस और लाचार है, असहाय और दुखियों के निस्वार्थ है, इस जगत की सबसे बड़ी सेवा है। जय जय श्री राधे।